देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम जानेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी पर किए गए तीखे वार के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप के विवाद के बारे में जानेंगे, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन के बारे में, और अंत में हम बात करेंगे चक्रवात बिपरजॉय द्वारा मचने वाली तबाही की। फिलहाल वीडियो की शुरुआत से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में शुरू हुई महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा एक और गारंटी हुई पूरी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहला WTC खिताब, भारत को 209 रनों से दी मात। केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने निकाली महारैली। प्रदेश के सीएम ने किया बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1.25 लाख रुपए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कसरगंज में निकाली रैली। कर्नाटक के नव निर्वाचित डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंच की पूजा अर्चना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जून को जाएंगे उड़ीसा दौरे पर, इस दौरान रैली में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, साथ ही दौसा में महारैली का आयोजन भी किया। US में पहली बार होने जा रहा है हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन से राजनीति में हिंदुओं का बढ़ेगा वर्चस्व। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी द्वारा रविवार को 12 साल बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में किसी रैली को संबोधित किया गया। इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक कहानी के जरिए तीखा वार किया। केजरीवाल ने कहा कि इस कहानी में रानी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नोटबंदी, फर्जी डिग्री का हवाला देते हुए पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। केजरीवाल ने अपने संबोधन में महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, दूध और सब्जियां दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। LPG सिलेंडर की कीमतें अब 1000 रुपए से ज्यादा हो गई हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। चौथी पास राजा को पता ही नहीं देश को कैसे चलाना है, दूसरा वार केजरीवाल ने नोटबंदी को लेकर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक दिन वे कहते हैं 2000 रुपए का नोट आएगा, 5 साल बाद वे कहते हैं कि यह चला जाएगा। ये कैसे पीएम है जिन्हें यह नहीं पता कि 2000 रुपए का नोट रहेगा या जाएगा। किसान आंदोलन पर केजरीवाल ने कहा कि राजा एक दोस्त है जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हो गई, मगर राजा अपने अहंकार में रहता है। इसके अलावा राजा का एक और मित्र है जो देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन राजा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, राजा ने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी। अंत में केजरीवाल ने पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि मैं मुफ्त रेवड़ी बांट रहा हूं। अगर मैंने गरीबों को मुफ्त रेवड़ी दी तो क्या समस्या है, आपने तो पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्तों को दे दिया, एयरपोर्ट, जमीन, माइन सब दोस्तों को दे दी। केजरीवाल के अलावा कपिल सिब्बल ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा केंद्र में बैठी सरकार सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स को देना चाहती है, वह दिल्ली के सीएम के पास कोई पावर नहीं रखना चाहती, यह किस तरह का मजाक है। मजाक तो कुछ दिनों पहले तक भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच बना हुआ था, क्योंकि ये बोर्ड अपनी टीमों को एक दूसरे के देश में खेलाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच यह रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। काफी दिनों से एशिया कप 2023 और वनडे विश्व कप को लेकर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच चल रहा विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर कुछ भी साफ नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह परेशानी सुलझती हुई नजर आ रही है। BCCI के सचिव जय शाह की अध्यक्षता वाली एशियाई क्रिकेट काउंसिल एशिया कप के लिए PCB के हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी देने वाली है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सहित बाकी टीमें अपनी मैच पाकिस्तान में खेलेंगी और भारतीय टीम मैच श्रीलंका के गोल और पल्ले के लिए मैदान में खेले जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे विश्व कप के लिए भारत में अपनी टीम भेजने के लिए तैयार है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ACC मंगलवार को एशिया कप की मेजबानी को लेकर औपचारिक घोषणा कर दे। हाइब्रिड मॉडल को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए जाने के बाद अक्टूबर नवंबर में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम की भारत यात्रा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद में भी खेलने के लिए तैयार हो गई है। तैयार तो पीएम मोदी ने सिविल सर्विस करने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी कर दिया है। अब देखते हैं कि किस हद तक यह सही साबित हो पाता है। देखिए ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशनल सेंटर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 1500 रिप्रेजेंटेटिव को संबोधित किया। जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच सहयोग को बेहतर करना है। इस पहल के जरिए पीएम मोदी देश की गवर्नेंस प्रक्रिया और पॉलिसी को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मिशन कर्म योगी की भी शुरुआत की गई। पॉलिसी और गवर्नेंस में सुधार के लिए जरूरी है कि सिविल सर्विस को बेहतर ट्रेनिंग देकर उनके स्किल को बेहतर बनाया जाए। बेहतर तो अब दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसून भी हो गया है, लेकिन इससे पहले लोगों को विपर्जोय चक्रवात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आइए देखते हैं मौसम विभाग ने क्या जारी किया है अपडेट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात विपर्जोय के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि सोमवार को यह चक्रवात भयंकर तूफान का रूप ले सकता है। इस तूफान का असर कई तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस दौरान यहां तूफान व तेज बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी का कहना है कि चक्रवात विपर्जोय के उत्तर की ओर बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा यह गुरुवार को पाकिस्तान और उससे सटे सौराष्ट्र तक कच्छ के तटों तक पहुंच सकता है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में रविवार को लू की स्थिति जारी रहेगी, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई। जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चक्रवाती तूफान विपर्जोय के कारण अगले सप्ताह में बारिश हो सकती है और राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में 14-15 जून को बारिश होगी। गौरतलब है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और अन्य तटीय क्षेत्रों को रविवार के दिन अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अगले 24 घंटों में अरब सागर के ऊपर विपर्जोय तेज होगा। अरब सागर तट पर वलसाड के तीथल बीच पर ऊंची लहरें देखे जाने के बाद इसे 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।